पावनगांव में कुछ अज्ञात युवकों ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। इस घटना में चार आरोपी घटनास्थल से फरार थे। अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 3 ने तीनों आरोपियों को गुप्त सूचना व तकनीकी आधार पर पकड़ा है। घटना के 6 महीने बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपियों ने कबूला है कि पैसे के चलते हत्या की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। रविन्द्र शर्मा, रितेश खड़गी, सुखलाल कतरे, ऐसे गिरफ्तार आरोपियों के नाम है। इस मामले का 4था आरोपी करण बारस कर जिसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार आरोपी सारा दोष करण पर लगा रहे हैं। तीनों आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 3 ने कलमना पुलिस के हवाले कर दिया है। यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में एपीआई मधु काटोरे, सिपाही दीपक लाखांडे व अन्य ने कार्यवाही की। एप्रिल महिना 13 तारखेला पावनगाव रोड वर शेत शिवारात एक पुरुष जातीची बॉडी भेटलेली होती। त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद त्यावेळेस करण्यात आलेला होता। 302 गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता। नागपूर शहर युनिट 3 क्राईम ब्रांचच्या युनिट 3 गोपनीय माहिती मिळाली होती की 3 आरोपी आहेत, त्यांनी सदरचा गुन्हा हा केलेला आहे। त्यांच्यासोबत जो 4था आरोपी आहे तो मयत झालेला आहे। अशा संशयाच्या आधारावरून युनिट 3 टीम PI मुकुंद ठाकरे साहेब यांची त्यांची टीमने 3 संशयित लोकांना ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यांना विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केले। त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलीस स्टेशन कळमना यांना हँडओव्हर केलेलं आहे। आम्ही त्यांना सदर गुन्ह्यात अटक केलेली आहे। त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केलेले आहे। त्यांचे नावं रवींद्र दिलीप शर्मा, रितेश सूर्यकांत खडगी आणि अरविंद सुखलाल कटरे असे 3 जणांचे नाव आहे। तो 4था व्यक्ती जो आजारामुळे मरण पावलेला आहे त्याचं नाव करण उर्फ माया मिलिंद बारसकर असं त्याचं नाव आहे। आरोपींना गुन्ह्यात अटक केलेली आहे आणि त्यांचा उद्यापर्यंत 20 तारखेपर्यंत PCR आहे। आरोपींच्या म्हणण्याप्रमाणे जो मृतक होता त्याच्याकडे पैसे होते, 2 लाख रुपये अंदाजे होते आणि ते पैसे घेण्याच्या उद्देशाने सदरचा मर्डर झालेला आहे असं आरोपींनी प्राथमिक तपासात सांगितलेले आहे। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 7709 877 121।